The internet is full of bro science fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So introduction. Namaskar, I am Dr. Paramjeet and you are, you are our family. और आप है हमारे सब्सक्राइबर्स और आइए बात करते हैं सी के बारे में सी क्या होता है एक फर्स्ट एड की एक ऐसी स्किल ऐसी जानकारी जो हर एक इंसान को होनी चाहिए क्या पता वो कहीं किसी की जान बचा ले सीपीआर पी क्योंकि सीपीआर एक लाइफ सेविंग टेक्निक है जो बहुत सारी तरीके की एमरजेंसी जैसे कि हार्ट अटैक कोई बेहोश हो किसी प्रकार की ड्राउनिंग कोई तालाब में कहीं कोई डूब जाए ऐसी जगहों पे कोई हार्ट बीट किसी की रुक गई हो कोई सांस नहीं ले रहा हो ऐसे सिचुएशंस में काम आती है सो so, कायदे से दुनिया में हर एक इंसान को सीपीआर आना चाहिए इसमें ऑब्वियसली यार ट्रेन्ड पर्सन है तो वो बेटर है वरना एक अनट्रेन्ड बाय को जब कोई ट्रेन पर्सन नहीं है तो सी बिगिन करके बेसिकली छाती पे मूंग दलना है मतलब मूंग नहीं दलना है छाती पे प्रेस करना है छाती के ऊपर एग्जैक्टली एक्जेक्टली यहां पे, पे। बताऊंगा एग्जैक्टली उसके क्या टेक्नोलॉजीज हैं ट्रेन क्या है क्या है एक्सेट्रा एक्सेट्रा क्योंकि इट्स ऑलवेज बेटर कि आप कुछ करें देन आप कुछ ना करें राइट ये फियर में कुछ गड़बड़ हो जाएगा कुछ हो जाएगा टूट टूट जाएगा यहाँ का कुछ हो जाएगा तो कोई मेजर इशू नहीं हो जाएगा एक अन पर्सन जो होता है उसको अन इंटरप्ट उसको क्या करना है उसको क्या करना है एक ट्रेन पर्सन को क्या करना है और उसके बारे में आज बातचीत करेंगे ठीक है डिफरेंस होता है ठीक है डिफरेंस होता है देखो एक अगर आप अनट्रेन है आपको सीपीआर में ट्रेनिंग नहीं दी गई है की ट्रेनिंग दी गई है टोटल प्रॉपर बुला के अलग से सर्टिफिकाइड सर्टिफाइड हो तब अलग है लेकिन अगर आप अनट्रेन हो तो आप क्या करोगे आपको सीधा सीधा हैंड्स ऑन सीपीआर करना है छाती पे दबाते जाना है छाती पे दबाते अन तो तो अनइंटरप्टेड बिना सोचे समझे कुछ नहीं करना अनइंटरप्टेड सोचे समझे आप हंड्रेड से एक मिनट में यानी एक सेकंड में दो बार एक सेकंड में ढांचक 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 एक सेकंड में दो बार वेरी सिंपल टू सिंपल्टी टाइम्स अ मिनट ठीक है सौ से एक सौ बीस बार एक मिनट में आप बस छाती पे दबाते जाएंगे सेंटर ऑफ चेस्ट मिडल पे यहाँ पे अपना इससे दबाना है इससे ये क्या होता है पाम इससे यहां पर ऐसे रख के इसके ऊपर ये दूसरा ऐसा एक के ऊपर एक रख के अब यहाँ पर एल्बो स्ट्रेट करके एल्बो स्ट्रेट करके फिर से दिखा रहा हूं एल्बो स्ट्रेट करके ऐसे ऐसे दबाने का कमर से थकोगे नहीं ऐसे ऐसे करोगे ना दो पांच मिनट वो थक जाओगे कमर से दबाओगे फुल फोर्स से तो थकोगे नहीं ठीक है कम थकोगे मतलब थकोगे तो उसमें भी आदमी है थक ही जाएगा बट अनट्रेन आदमी जब तक कोई ट्रेंड आदमी नहीं आ जाता तब तक ये कर सकता है ठीक है जब तक नहीं आ जाता तब तक कर सकता है बात खत्म आज का वीडियो यही खत्म बंद कर दो चलो घर नहीं नहीं मजाक कर रहा हूं मजाक कर रहा हूं ऐसा कुछ नहीं है वीडियो है और भी बहुत कुछ है बताने वाला अगर आप वेल well ट्रेन है कॉन्फिडेंट है तो फिर आप क्या करोगे पहले पल्स देखोगे देखोगे अगर वहां कोई ब्रीदिंग नहीं है अगर नो no और 10 सेकेंड तक पल्स नहीं है तब आप सीपीआर शुरू करोगे और उसमें आप क्या करोगे अगर आप ट्रेन है तो ट्रेन तो आदमी पहले 30 कंप्रेशन करेगा 30 कंप्रेशन करेगा उसके बाद दो रेस्क्यू ब्रेथ देगा हर आदमी नहीं दे सकता ट्रेनिंग नहीं है तो मत करो रेस्क्यू ब्रेथ मत करो डायरेक्ट सीपीआर करो अनट्रेन्ड के लिए ट्रेन हो तो थर्टी टू का हिसाब रहेगा राइट अगर आपको लगता है कि आप ट्रेन थे भूल गए तो फिर छोड़ो अनट्रेन जैसा करो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ये बेसिक चीज है सीपीआर सीपीआर से होता क्या है? सीपीआर से होता यह है इवन इफ अगर हार्ट रे हार्ट रुक गया हो इवन इफ अगर दिल रुक चुका हो चाहे छोटा सा बच्चा हो एक न्यू बॉर्न बेबी हो एक छोटा बच्चा पैदा होता है कई बार उसका हार्ट चालू नहीं होता कई बार वो रुका रहता है कई बार उसको उसको सीपीआर देना पड़ता है लिटिल छोटे बच्चे को टू फिंगर टू फिंगर ऐसे टू फिंगर देते टिंग 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 टू फिंगर वाला सीपीआर देते टिंग 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 कभी वन फिंगर सीपीआर देते कभी वन ऐसा भी सीपीआर देते बहुत छोटे बच्चे होते छोटे छोटे बच्चे इतने न्यू बॉर्न बेबी उनको भी सीपीआर देते वो या बड़ा हो या बूढ़ा हो कोई भी हो सीपीआर जब देते हो

करना पड़ेगा so, CPR, के से करो, ट्रेंड के से करो करो उसमें आपके ब्रेन को आपके वाइटल ऑर्गन्स को ऑक्सीजन पहुंचेगा और आप जब तक प्रॉपर डेफिनेटिव मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं आता बंदे की बच्चे की किसी की भी जान बचा पाओगे ठीक है होता यही है हार्ट रुक जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जाता ब्रेन कुछ ही मिनटों में मरने लग जाता है और एक पर्सन अगले सात आठ मिनट में ही ब्रेन पूरा मर जाएगा और फिर ब्रेन डेड हो जाएगा उसके चाहे ऑर्गन्स थोड़े बहुत हो जीवित कर लें वेंटिलेटर पर डाल दें लेकिन ब्रेन मर जाएगा फायदा क्या हो? है कि नहीं दैट्स वाई अगर आप सी सीखना चाहते हैं तो एक एक बहुत ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं कई आसपास कोर्सेज चल रहे होते हैं उसको ज्वाइन करें जब भी कभी आपके आसपास कोई इमरजेंसी वाले डॉक्टर्स आके सिखा रहे होते हैं उसमें जाके भाग लें और जाके बोले मैं ट्राई करूंगा मैं ट्राई करूंगा प्लीज डू दैट प्लीज़ डू दैट ठीक है उसके बाद में अगर सी कर रहे हैं याद रखिए नाइन या आपने एमरजेंसी को बुलाना ना भूलें ठीक है एमरजेंसी कॉल सी पी आर करते जा रहे हैं डॉक्टर को कॉल करना भूल गए एम्बुलेंस आई नहीं रही है अब डेढ़ घंटा हो गया सीपीआर कर रहे हैं ऐसा भी नहीं होना चाहिए है कि नहीं ऐसा भी नहीं होना चाहिए सो दैट्स वाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि पर्सन जो है उसके लिए आप बेसिक सी का ये हो गया फंडा ठीक है अब अगर कुछ नहीं आता तो इतना तो करना ही करना है ठीक है उसके बाद बहुत बहुत डीप में चीजें होती है जो मैंने पहले बता रखी है एक सीपीआर का वीडियो भी बना रखा है मैंने जिसमें बेसिकली हमने क्या बता रखा था कि पहले तो उसको इन्वायरमेंट से निकालो अब नदी है नदी के अंदर ही सीपीआर थोड़ी करने लग जाओगे तो उसको पहले बाहर निकालोगे उसके कपड़े गीले हटाओगे या उसको उल्टा करके उसको दबाओगे वट एवर यू कॉल पर्सन कॉन्शियस है कि अनकॉन्शियस है उसको आवाज़ मारोगे आर यू ओके नहीं होके okay, तो कॉल करोगे हॉस्पिटल कॉल करोगे एम्बुलेंस कॉल नाइन वन वन कॉल करोगे वट एवर इज देयर इन योर एरिया राइट इन योर कंट्री वट एवर इट इज राइट उसके बाद में अगर कोई सीपीआर पी शुरू कर दोगे अगर कोई ए डी राइट डिफिबुलेटर अवेलेबल है तो डिफिबुलेटर यूज़ कर सकते हो शॉक दे सकते हो अगर आपको आता है अगर आपको पता है नहीं पता है फिर तो फिर सीपीआर करो शुभ से उसमें सी ए बी सर्कुलेशन चेक करना है एयरवे चेक करना है आपका कंप्रेशन होना चाहिए पहला होता है सीएबी सीएबी बी सी ए बी मतलब कंप्रेशन एयरवेज ब्रीदिंग पहले कंप्रेशन करो फिर एयरवे चेक करो फिर ब्रीदिंग चेक करो फिर सर्कुलेशन देखने का ऐसा है सी ए बी कंप्रेशन बोले तो पहले फटपट -फट ये करने लग गए तो उससे बेटर होने लग जाता है सीधा सीधा आपका सर्कुलेशन uh, होने लग जाता है एयरवे में चेक कर लो कुछ फंसा तो नहीं है गले में कहीं कोई कुछ खाया तो नहीं है कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं है तो गले से वो निकाल लो गले से वो हाथ डाल के निकाल सकते हो उंगली डाल के निकाल सकते हो तो वो आराम हो जाएगा uh, पीछे से वो हेलमेट्स रिन्यूबर होके निकाल सकते हैं वो दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग और ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो फिर उनको डिफिबिलेटर कई बार क्या होता है रिदम प्रॉब्लम आ जाती है हार्ट में उसमें भी लंग्स uh, में पानी भरने लगता है तो डिफ्रिबलेटर से शॉक देने से रिदम ठीक हो जाती है और हार्ट आगे ब्लड क्रम करने लगता है तो फिर लंग्स से पानी निकलने लग जाता है पेशेंट को तो आराम होने लग जाता है सो हार्ट कैन कॉज लंग प्रॉब्लम लंग कैन कॉज हार्ट प्रॉब्लम आई से वर्षा वाई से वर्षा और ऐसी होता है और सो सी पी आर नीड्स टू बी लर्न बाय एवरी वन एवरी वन नीड्स टू नो हाउ टू यूज एन ए डी एवरी वन नीड्स टू नो वट इज कार्डियक अरेस्ट व्हाट इज हार्ट अटैक व्हाट इज हार्ट ब्लॉक व्हाट इज रिदम प्रॉब्लम वॉट इज वेंटिलेटर ये सब पता होना चाहिए लोगों को राइट right. नहीं पता है तो हमारे वीडियो देखो नहीं देखा है तो देख लो नहीं शेयर किया तो कर लो और भैया आज भी नहीं किया तो कब करोगे बताओ है कि नहीं अब जब कोरोना के चलते लोगों का पता नहीं कब कहाँ दिक्कत हो जाए तो फिर है ना और छोटे बच्चे पे कर रहे हो सी तो याद रखो उसमें चार चार हफ्ते से छोटा है तो उसमें पूरा हाथ हाथ नहीं करने का उसको उसको फिंगर के हिसाब से धीरे धीरे करना पड़ता है उसके बारे में भी शायद आई हैव मेड अ वीडियो डेडिकेटेड फॉर दैट उसमें आपको टू फिंगर सीपीआर करना पड़ता है दैट इज समथिंग लाइक दैट राइट सो so, वहाँ जाके आप आप डिटेल में देख सकते हैं और बच्चों के केस में बहुत ज़रूरी है कि जो चेस्ट है वो डेढ़ इंच तक डेढ़ इंच तक अंदर जानी चाहिए और छोटे बच्चों के केस में बड़ों के केस में आप अपना लगा सकते हो बहुत ज़्यादा अंदर भी नहीं सर पूरा पचका नहीं देना हाँ थोड़ी बहुत रिम्स टूट सकती है उससे कुछ नहीं होगा आगे चल के थोड़ा दर्द होगा इंसान को छाती में लेकिन जान से ज़्यादा कुछ नहीं है सो दैट इज देर एंड सी पी आर है सी पी आर करो सी पी आर सीखो सी पी आर समझाओ सी पी आर सिखाओ सिंपल कंडा है एक मिनट में एक सेकंड में दो बार एक मिनट में एक सौ से एक सौ बीस बार और आ, अगर ट्रेंड हो आप तो थर्टी इस टू टू के रेशियो से आपको छाती पे दबाना है मूंग दलना है मूंग दल देंगे छाती पे <laughs> कर दो शेयर शेयर कर दो ठीक है थैंक यू सो मच स्टे कनेक्टेड स्टे हेल्दी इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज डू आस्ट